अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन के अंदर आप स्पेनिश ज़बान के कुछ फ़िक्रे सीखेंगे। हमारे पास पहला फ़िक्र है, मे सालुदो कौन उना सोन रीसा, ही ग्रीटेड मी विद ए स्माइल, उसने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया, या उसने एक मुस्कुराहट के साथ मुझे सलाम किया। एक ही तरह का फ़िक्र है, मे सालुदो ही ग्रीटेड मी, उसने मुझे सलाम किया, कौन उना सोन रीसा विद ए स्माइल, मतलब एक मुस्कराहट के साथ या मुस्कराते हुए, यूँ समझिए। तो मे सालुदो कौन उना सोन रीसा ही ग्रीटेड मी विद ए स्माइल, उसने मुस्कराते हुए मुझे सलाम किया। अगला फिक्र है, उस्तेद ई जो तेनेमोस आल्गो इन कॉमून, यू एंड आई हैव समथिंग इन कॉमन, आप और मैं कुछ मुश्तरक हैं। इसका मतलब है आप में और मुझ में कुछ चीज़ें, कुछ खासियतें एक जैसी हैं, मतलब आपको भी क्रिकेट पसंद है और मुझे भी है, आपको टीवी देखना पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। इसी तरह की कन्वर्सेशन होती रहती है भाइयों दोस्तों वगैरह के अंदर, तो उसके लिए ये फिक्र इस्तेमाल होता है, उस्तेद ई जो तेनेमोस आल्गो इन कॉमून, जिसमें है उस्तेद ई जो, इसका मतलब यू एंड आई, तेनेमोस हैव मतलब रखते हैं, आल्गो समथिंग कुछ, इन कॉमून इन कॉमन मतलब मुश्तरक, या मतलब यूँ समझिए एक जैसी। तो उस्तेद ई जो तेनेमोस आल्गो इन कॉमून, यू एंड आई हैव समथिंग इन कॉमन, आप और मैं कुछ मुश्तरक हैं। अगला फिक्र है हमारे पास, लो ए कोनोसिडो इन बारियास ओकासियोनेस, लो ए कोनोसिडो इन बारियास ओकासियोनेस, आई हैव मेट हिम ऑन सेवरल ओकेजन्स, मैं उससे कई मौक़ों पर मिल चुका हूँ, या यूँ भी आप कह सकते हैं मेरी उससे कई मौके पर मुलाकात हो चुकी है। तो लो ए कोनोसिडो, आई हैव मेट हिम, मैं उससे मिल चुका हूँ, इन बारियास ऑन सेवरल, कई यानी कि ऑन का मतलब पर, सेवरल का मतलब बारियास मतलब कई बार, यूँ समझिए। ओकेशंस मौक़ों यानी ओकेशंस, लो ए कोनोसिडो इन बारियास ओकेशंस, आई हैव मेट हिम ऑन सेवरल ओकेशंस, मैं उससे कई मौक़ों पर मिल चुका हूँ। अगला फिक्र है, नुंका लो दीडे, नुंका लो दीडे, आई विल नेवर टेल, मैं कभी नहीं बताऊँगा, नुंका का मतलब नेवर यानी कि कभी नहीं, लो दीडे बताऊँगा मतलब दीडे का मतलब बताना, ये एक मतलब फ्यूचर का टेंस है, तो दीडे इस्तेमाल हुआ। नुंका लो दीडे, आई विल नेवर टेल, मैं कभी नहीं बताऊँगा। अगला फिक्र है हमारे पास, एल एस अमीगो दे कियन, एल एस अमीगो दे कियन, हुज फ्रेंड इज ही, वो किसका दोस्त है, एल एस अमीगो, ही इज फ्रेंड, यूँ समझिए मतलब वो दोस्त है, दे कियन किसका मतलब हुज। तो इसी तरह एल एस अमीगो दे कियन, हुज फ्रेंड इज ही, वो किसका दोस्त है। अगला फिक्र है, पुर सियर तो दे दोन दे एडिस, बाई द वे वेयर आर यू फ्राम, वैसे आप कहाँ से हैं। तो यहाँ पर पोर्सियर तो आपके लिए एक नवा यानी कि नया लफ्ज़ होगा, दे दों दे एडस, तो ये तो बेसिक यानी कि सेंटेंस है, पहले भी आप कई बार इसे देख चुके होंगे। तो पोर्सियर तो का मतलब वैसे, पोर्सियर तो, दे दों दे एडस, बाई द वे वेयर आर यू फ्राम, वैसे आप कहाँ से हैं। नो एस तो ही अफावोर दे ताल प्लान, नो एस्तोई अफावोर दे ताल प्लान, और इसी तरह सेम ही फिक्र है, मतलब एक ही मतलब है इसका भी, नो एस्तोई अफावोर दे उन प्लान आसी, सिर्फ ताल और आसी का फ़र्क है। तो इसका दोनों का मतलब है, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सच ए प्लान, मैं इस तरह के मंसूबे के हक में नहीं हूँ, नो एस्तोई अफावोर, मैं हक में नहीं हूँ, दे ताल प्लान, इस तरह के मंसूबे में, या उन प्लान आसी, इसका भी मतलब है दे उन प्लान आसी, इस तरह के मंसूबे में। तो अगला फिक्र है,
जेगामोस अला ऑफिसिना अतियम्पो वी अराइव्ड एट द ऑफिस ऑन टाइम, हम वक्त पर दफ्तर पहुँचे या पहुँचे थे, एक ही बात है। जेगामोस अला ऑफिसिना अतियम्पो वी अराइव्ड एट द ऑफिस ऑन टाइम, हम वक्त पर दफ्तर पहुँचे। इसमें जेगामोस का मतलब वी अराइव्ड, हम पहुँचे, अला ऑफिसिना दफ्तर में, तो अतियम्पो ऑन टाइम मतलब वक्त पर। परंतु ते पोंदड़ास बीएन यू विल गेट वेल सून, आप जल्द सेहत याब हो जाएंगे, यानी कि फ्यूचर का सेंटेंस है। परंतु सून जल्द ही, ते पोंदड़ास बीएन यू विल गेट वेल मतलब आप सेहत याब हो जाएंगे, परंतु जल्द, तो परंतु ते पोंदड़ास बीएन यू विल गेट वेल सून, आप जल्द सेहत याब हो जाएंगे। एल ट्रबाखो आवड़ा एस्ता इन प्रोग्रेसो, द वर्क इज़ नाउ इन प्रोग्रेस, काम अब जारी है। अगर इसका लफ्जी मानी करें तो बनता है काम अब तरक्की में है, तो काम अब तरक्की में की बजाय काम अब जारी है, ये फिक्र मुनासिब रहेगा। तो एल ट्रबाखो द वर्क, काम आवड़ा नाउ अब एस्ता यानी कि है इन प्रोग्रेसो, तरक्की में मतलब जारी है। एल तड़ाबाखो आवड़ा एस्ता इन प्रोग्रेस हो, द वर्क इज नाउ इन प्रोग्रेस, काम अब जारी है। आवड़ा देखा दे जोड़ार, या यूं भी कह सकते हैं जा बास्ता दे जोड़ार, नाउ स्टॉप क्राइंग, अब रोना बंद करो। आवड़ा का मतलब अब, और अगर दूसरे फिक्र में देखें जा, इसका भी मतलब है अब। देखा इसका मतलब बंद करो या बस करो, बास्ता इसका भी मतलब है बंद करो या बस करो, दे यानी कि आफ, जोड़ाड़ मतलब रोना, मतलब रोने को बंद करो। अब अगर लफ्ज़ी माने देखें तो इसका यानी कि अच्छा सा तर्जमा बनेगा अब रोना बंद करो। आवड़ा देखा दे जोड़ाड़ या जा बास्ता दे जोड़ाड़, नाउ स्टॉप क्राइंग, अब रोना बंद करो। तो उम्मीद है कि ये आज के सेंटेंसेस आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।